Как вас зовут? Ника. Ника? Ника? Да. एक हाथ ठंडा जाता है तो मैं सिर्फ हाथ अंदर डाल देगा ताकि हाथ गर्म हो जाए फिर दूसरा हाथ यूज करूँ। चैनल यूट्यूब चैनल रशिया पतम यूट्यूब। हाँ रशिया पतम ओके। सो ये मेरे होस्ट हैं शाशा अलेक्जेंडर शाशा यस द सो ये मेरे होस्ट हैं यकुच में शाशा सो इन मेरे को टैक्सी वाले ने गलत टैक्सी ड्राइवर क्या मीनिया फिफ्थ फ्लोर Then, तो मैं वो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे गलत छोड़ दिया मैं फिफ्थ फ्लोर तक वहाँ से वापस आया और इनके घर पे आया एड्रेस पे इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो ओलंपिक्स में तो ये हाँ देख ये इनकी गर्लफ्रेंड है ये ओलंपिक्स में है ओलंपिक्स है या किसी स्पोर्ट्स में है सो ये नॉर्मली ये कुतिया के घर होते हैं ये एक फ्लैट है और दा? दा? सो देखो ये बाहर से कितना -46 -46 सो ये -46 बाहर वेदर हो रहा है ये और इनकी वाइफ ने मुझे इतना डांटा कि मेरे कपड़े देख के बोल रहे हैं क्या चीज़ है ये क्या लेके आया हूँ ये जैकेट शूज तो ये देख के बोल रहे क्या लेके आया नहीं चलने वाला यहाँ पे मैंने कहा यार मैं दो दिन के लिए आया हूँ दो दिन के लिए सिर्फ दो दिन के लिए मैं नए कपड़े खरीदूंगा इतना पॉसिबल नहीं है तो फिर दो दिन के लिए आप समझ सकते हैं दो दिन के लिए ठंडी अपन आप ठंडे जगह पे आए हो तो ठंडी देखने आए हो कुछ ये सिस्टम तो हर जगह है जहाँ आपको चलने के लिए सिग्नल का वेट करना पड़ेगा इंडिया की तरह नहीं है कि हाथ किया और रुक गए सब ओके -46 टेम्परेचर है और जब भी मुझे एक हाथ ठंडा हो जाता है तो मैं सिर्फ हाथ अंदर डाल देगा ताकि हाथ गर्म हो जाए फिर दूसरा हाथ यूज करूँ ट्रेन की 2:30 बज रही है और अंधेरा सा हो गया सिटी में वैसे काफ़ी बड़ी सिटी है इसको छोटी मत समझना काफ़ी डेवलप सिटी है 15 किलोमीटर के एरिया में ये सिटी पूरी बसी हुई है तो सिटी काफ़ी बड़ी है वो नहीं है कि एक छोटा सा गाँव है और कोई रहता नहीं है काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे कितने रहते हैं वो तो पता नहीं लिख दूंगा नीचे सो ये देखिए अभी हम बैंक गए थे बैंक से पैसे निकाले मैंने नोट से और उसमें एक भी चार्ज नहीं कटा पता नहीं कौन सा बैंक था पर चार्ज कुछ भी नहीं कटा मुझे फिर से बैंक में लेके आए इस तरह के कुछ बैंक होते हैं यहाँ पे किसी ने ड्राइंग के लिए कुछ रखा है कि बच्चा बैठे अच्छा मुझे बच्चे वाली जगह पे बिठा के चले गए ये कुछ ये कुछ बच्चा है जो खेल रहा है कितना मस्त गोल गोल सा पूरा पैक कर रखा है इसको बेचारे को पूरा जैसे बच्चे को पूछा ही नहीं है कि भाई तेरे को जरूरत भी है हाँ Как вас зовут? Как вас зовут? Ника. Ника? Да. Самдеги не ты же чоти бачи. Транслейт се самдеги не. Никак.
Your name, Nia. So what? ये मैंने जो ड्राइंग बनाई वो देखो उसने क्या बनाया सी हाँ ये इस कैमरे को देख रही है Cat. New. Oh. Cat. Nyeka. Mom, nyeka. Oi. एक होटल में लेके आए हैं हाथी बताने के लिए बहुत एक्सपेंसिव होटल है सिर्फ हाथी दिखाने के लिए अंदर ले आए क्यूआर कोड इंडिया का क्यूआर कोड जो है वो चला नहीं पर ये पुतिन हाथी है हाँ था हाथी का बच्चा हाथी नो एलिफेंट मामन मामन फीमेल हाँ फीमेल नथिंग एवर फेल्ट इस गुड और इज इजी As when we were young. Oh. Yakutsk, India. brother. Huh? India, Yakutsk, brother. Yes. It was a pleasure running away with you. We were just children acting like a child. I'm going to go to the market. I'm going to go to the market. फ्रीजर की जरूरत ही नहीं है इनको बाहर ही रख सके सब -50 पे सब वैसे ही फ्रीज हो जाता है इन भाई साहब ने मुझे टक वाज जाऊ दैनिक भाई साहब ने मुझे एक इंडियन कॉइन कुछ इनके कॉइन कुछ दिया तो मैंने इनको इंडियन नोट दिया सो करो शो ब्लॉग है शाशा भाई साहब बाल कटवाने आए हैं और एक दिक्कत हो गई है बस कपड़े वगैरह सब वॉर्म है पर जो मेरे शूज़ है उनमें मैं मेरी उंगलियाँ फील नहीं कर पा रहा उसमें फिर से पानी घुस गया यार पता नहीं क्या दिक्कत है सो ये सबसे बड़ी दिक्कत मैंने इनको बताया नहीं है कि
ठंडी लग रहा है इनके। अभी ये बस बाल कटा के 15 मिनट में घर चले जाएंगे तो हो जाएगा बस। फर्स्ट बाइट वगैरह ना हो जाए बस, वही दिक्कत है। ये शूज़ की दिक्कत है। अभी कपड़े तो आपको, अगर आप आ रहे हो तो ये कपड़े ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। मतलब जो आपको इंडिया में -4 पे फील होता है ना, अगर आप टी शर्ट में निकलो ऐसा फील होगा, ठंड में तो ठंडा फील होगा ही, दो जैकेट है। सो शूज़ का ध्यान रखना, शूज़ आप यहाँ पे आके ही लेना। चावल पकाने की अलग स्टाइल, इसको थैली में ही इन्होंने बॉइल कर दिया। रशियन राइस तो अपने इंडिया में तो अपन अलग निकालते हैं। तो मैं भी इनसे पूछा कि आपको बनाने आता है क्या है, तो इन्होंने कहा कि हाँ ये थैली में ही बॉइल हो जाता है। सो नया स्टाइल है कुछ, इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी। ये इनका किचन है, कुछ किचन में सब पैसे सुविधा सब है इनके पास। ये इनका बेडरूम, यहाँ पे मैं सोऊंगा। छोटा सा घर है, काफ़ी बढ़िया, छोटा है, सिंपल है, पर सामान इन्होंने बहुत भर रखा है। मतलब इस घर से ज़्यादा सामान भर रखा है इन्होंने। इनका जो सिस्टर का घर बताया था ना मैंने, वो थोड़ा सा नया था, और इनका जो है वो थोड़ा सा पुराना है। सिस्टर और गर्लफ्रेंड अभी भी मैं कन्फ्यूज़ हुई है, हर लड़की को इनकी गर्लफ्रेंड ही बोलते हैं। मैं सही से सोया नहीं था बहुत टाइम से, बहुत ट्रेन में था, टिंडा के स्टेशन पे था, वहाँ पे भी नहीं सोया, ट्रेन में भी नहीं सोया, तो अब जाके सोऊंगा।